दिल्ली में प्रियंका वाड्रा महासचिव बनाई गई हैं तो उसकी चर्चा आप लोगों में ज्यादा है, जहां का प्रभार उनको दिया गया लग रहा वहां के लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं। और आप स्वयं पूर्वांचल से, मनोज जी स्वयं पूर्वांचल से, इसलिए कह सकते हैं कि लोग जो है प्रियंका गांधी में जो है इंदिरा गांधी का अक्स देख रहे हैं और उसे फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर उसको उसके रूप में देख रहे हैं, तो आप उसको कैसे लेते हैं? वो एनडीए के घटक, लेकिन बात जो करते हैं ऐसा लगता है यूपीए के घटक। ये उनकी निजी राय है, देश में बहुत लोग हैं जो वाड्रा परिवार और गांधी परिवार के बारे में इस तरह के सपने देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो शायद दूसरे धरातल पर लड़ा जाएगा और एक ऐसी सरकार है जिसने 5 वर्ष में 22 करोड़ परिवारों का जीवन बदल दिया है और मुझे लगता है कि किसी के महासचिव बनने या किसी विशेष क्षेत्र का प्रभार मिलने से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस की जो खराब स्थिति बन गई थी कि सपा बसपा ने गठबंधन में उनसे बात तक नहीं की, शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी, हमारी भी कोई अहमियत है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए कोशिश हो रही। हिमांशु, अंतिम सवाल। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी अभी जब कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो नफरत की राजनीति करती है, वो लड़ाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी तिरंगा यात्रा पर रोक लगा दी जा रही है, वहाँ का प्रशासन दो स्टूडेंट्स ने उनको नोटिस दिया है। देखिए, जिस भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने किया है, मैं समझता हूँ कि कोई भी जो जिला पंचायत की राजनीति करता है वो भी उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। सारी मर्यादाओं को उन्होंने लोक ताक पर रख दिया है और आज की जो भाषा उनकी है, जितनी अमर्यादित है उसकी जितनी निंदा की जाए वो शायद कम है। और उनकी बात पर लोग, वो नफरत की बात ना करें, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जितनी नफरत फैलाई है, देश का इतिहास साक्षी है कि लोगों के पूरे कत्लेआम हो गए, तो वो हमें सबक न दें। हम जानते हैं कि सद्भाव कैसे और भाईचारा कैसे मेंटेन किया जाता है देश में। सर जी बताइए, पूछो। अभी आपने कहा कि उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका उनके अधीन में दिया हुआ है, वहाँ कोई उनके दखल नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो एक पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ और क्या किसमें आपको कैसे पता लगा कि वो कह रहे कि वहाँ कोई असर नहीं है? तो मुझे इसलिए मालूम है कि कम से कम 1,000-2,000 लोगों से मेरी बात हुई है कल से लेके आज तक। नहीं, बीजेपी के नहीं है, सामान्य लोग भी, आप चिंता मत करिए। चलिए चलिए, उसमें बहुत सारे पत्रकार भी थे और रात को कई लोगों से बात भी हुई, उसमें ये लोग बैठे हैं यहाँ, इसी में बहुत लोग थे, किसी को खास नहीं बुलाया था।